ग्रामीणों को बिना नोटिस व मुआवजा दिए विक्रांत इंजीनियरिंग एंड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जबरन लगाए टावर। ग्रामीण आक्रोशित, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह बघेल ने विक्रांत कंपनी व उसके अधिकारी राजेश पांडे पर बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत का आरोप लगाया व उन्होंने ये भी कहा कंपनी पैसे खिलाकर मनमानी कर रही है। तालाब की मेड़ की सैकड़ों टन मिट्टी बेच दी गई। कंपनी द्वारा 132 केवी के टावर के नीचे न तो घर बनाया जा सकता न कुछ काम किया जा सकता है, वो जमीन बेकार हो जाएगी। अथवा कंपनी या सरकार पहले जमीन की कीमत का मुआवजा दे अथवा टावर नहीं लगने दिया जाएगा। कंपनी ने अपना सामान बिजली विभाग के ऑफिस में किस अधिकारी की मर्जी से रखा, जो कि दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर कंपनी व अधिकारी मिले हुए हैं। फोन रिकॉर्डिंग में कंपनी के अधिकारी राजेश पांडे ने साफ कहा है पहले मुआवजा दिया जाएगा फिर काम होगा। यही बात सौरभ तिवारी ने भी कहा, फिर भी काम चालू कर दिया गया मर्जी के बिना। राजेश पांडे बातचीत में ये भी कबूल कर रहे हैं कि कंपनी बिजली विभाग के अधिकारियों को पैसे खिला रही है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह ने आत्मदाह की धमकी दी है, मुआवजे व नोटिस के बिना अगर टावर लगाया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। इसके जिम्मेदार विक्रांत टावर कंपनी बिजली विभाग होगा। टावर के निर्माण कार्य को रोका जाए, जबरन कंपनी बिना नोटिस बिना उचित मुआवजा टावर नहीं लगा सकती। अगर कंपनी ऐसा करती है तो हम आत्मदाह कर लेंगे। सतना से अभिषेक कुशवाहा की रिपोर्ट। बच्चों ये 3-4 हमारे उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं तो कोई बोलने वाला यहाँ पे था नहीं, वो टावर लगाकर चले गए। लेकिन रात में जब बरसात के टाइम पे, और ये महुए का पेड़ भी है, कभी भी यहाँ लाइट गिरी या करंट आया तो छत सीधे हमारा लगा हुआ है, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रही है। मुआवजे से कोई मतलब ही नहीं, कोई ना तो पूछा ना कोई आँच, कोई भी नहीं, सीधे डायरेक्ट टावर लगा के चले गए। इसका मुआवजा आपको नहीं दिया गया? नहीं नहीं। आपने इसकी शिकायत की थी? नहीं, शिकायत किए थे लेकिन हो गया, सुनने वाला कौन है, बोल दिए नहीं वो हो गए, वहाँ से ऑर्डर हम लोग को आए तो हम लोग लगाएंगे ही, बस ऐसा बोल के हम लोग को टाल दिया गया। मैं अकेले गई थी, हो गया, हम वापस चले आए घर पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है साधना सिंह चंदेल। मैं शशांक सिंह बघेल, यहाँ सोनौरा निवासी। मैं एक बात आप लोग के मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि ये जो बिजली विभाग का जो जगह है, सोनौरा पावर प्लांट है, यहाँ पे विक्रांत इंजीनियरिंग एक्सिम एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पे टावर लगा रही है। और टावर ऐसा लगा रही है कि बिना किसी ग्रामीणों की अनुमति के लगा रही है, ना तो किसी को नोटिस दे रही है ना तो किसी को मुआवजा दे रही है, और ये टावर लगाई जा रही है सीधे। अब आप देख सकते हैं वो सामने टावर लगा हुआ है, और वो टावर के नीचे एक बगल में जस्ट घर है, जो घर उसके काफ़ी पहने बन चुका था। घर वालों ने विरोध भी किया कि नहीं, ये टावर नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती दादागिरी करके लगाया, अधिकारियों का नाम बता के लगाया। अधिकारी और कंपनी ये दोनों मिले हुए हैं, मेरे पास इसका साक्ष्य और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि इन लोगों ने इनके साथ साठ गांठ किए हुए है। और आप देख सकते हैं कि ये जो टावर लगा हुआ है उसके नीचे जो घर है, यहाँ पे कभी भी आग लग सकती है, उसके नीचे वाले घर में रहने वाले लोग भय के साए में जी रहे हैं। ये जो कंपनी है विक्रांत एक्सिम इंजीनियरिंग है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसने हमारे ज़मीन वालों में से जिनकी ज़मीन है उनसे वादा किया था कि उनको ये मुआवजा देगी, नोटिस देगी, सारी चीज़ें करेगी, उसके बाद कोई भी काम चालू करेगी, लेकिन ये दादागिरी पे उतारू हो गए हैं। कुछ अधिकारियों को इन्होंने मैनेज किया हुआ है पैसे ले दे करके। मैं इस बात का पूरा विरोध करता हूँ, और मैं गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और कलेक्टर साहब से ये बात रखूँगा और इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो फिर मेरे पास आत्मदाह के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। तालाब की मिट्टी का भी कुछ तो आप क्या करेंगे? तालाब की मिट्टी का ये मामला है कि ये जो टावर गया हुआ है, आगे तालाब है और तालाब के दोनों ओर टावर गया हुआ है, इंड में भी और फ्रंट में भी, ना तो किसी से पूछा गया, ना नोटिस दिया गया, ना भी बताया गया। अगर वहाँ पे तार गिर जाती है तो सैकड़ों जानवर और सैकड़ों लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। और आप देखिए वहाँ पे जो मेड़ तोड़ दी गई है ये कंपनी के द्वारा, ये राजेश पांडे ये लोग हैं यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, इन लोगों ने मिट्टी पूरा तोड़ दिया है, मेड़ को पूरा तोड़ दिया है, और उसकी देखिए सैकड़ों टन मिट्टी, उसका कोई पता ही नहीं आता, पता ही नहीं वो कहाँ गई। अब बताइए तालाब की मेड़ तोड़ दी गई, पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? वो बह के सीधे खेतों में चला जाएगा। तो ये कंपनी जो है पैसे के दम पे अधिकारियों को मैनेज करके ये दादागिरी पे उतारू है, मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। यहाँ पे कंपनी आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो आप किस हद तक जाएंगे? अगर कंपनी हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो मैं अभी तो कलेक्टर साहब से बताया हूँ, कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री से बताएंगे, और अगर फिर भी नहीं मानेंगी तो हमारे पास फिर आत्मदाह के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन जब तक मुआवजा और नोटिस नहीं देते हैं ये, तब तक हम इन्हें काम करने नहीं देंगे, चाहे ये कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे कंपनी में जो बिजली विभाग के कौन से अधिकारी हैं जो यहाँ पे बैठते हैं? यहाँ पे तो कोई आर के सोनी करके बैठते हैं, अब मुझे नहीं मालूम इनका इनके बीच में साठ गांठ है कि नहीं है, पर
सोनी जी के पास मेरे हिसाब से कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है कि कोई MPEB का ऑर्डर दिया गया हो कि यहाँ पे सामान रखा जाए। तो आपके हिसाब से यह सामान जो रखा गया है वो अनैतिक रूप से रखा गया? मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से अनैतिक रूप से रखा गया है, बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम शशांक सिंह बघेल है।